नोवेल कैसे लिखते हैं और नोवेल लिखने का क्या तरीका है, इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ। प्रणाम साथियों, मैं हूँ कृष्णा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड राइटर। साथियों, काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं, कई बार इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी साथी पूछ लेते हैं कि नोवेल लिखना है मुझे, नोवेल कैसे लिखते हैं आप वो बता दीजिए। तो मैं बताऊँगा नोवेल क्या होता है और क्यों आज सबसे ज़्यादा नोवेल लिखे जाते हैं। जैसा कि आपको वाकिफ़ होगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा लोग नोवेल ही लिखते हैं, तो ऐसा क्यों है कि प्ले राइटर या पोइट काफ़ी कम है, पोइट की या प्ले राइट की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है दुनिया भर में। आजकल नोवेलिस्ट ज़्यादा हैं, सभी लोग नोवेल लिखते हैं। ऐसा क्यों है कि नोवेल जो राइटिंग जनरा का जो स्टाइल है वो सबसे इजी स्टाइल है, ठीक है, वो क्यों है वो बता देता हूँ कि नोवेल में आप कन्वर्सेशन स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप राइटिंग स्टोरी टाइप स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर आप नोवेल लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखनी है कि टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, एक्शंस की जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या होगी, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना होता है। जबकि आप प्ले राइटर हैं या प्ले लिख रहे हैं या फिर आप पोइट्री लिख रहे हैं, पोइट हैं, तब इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। नोवेल में आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में अपनी कहानी को ले जा सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में भी उसको बढ़ा सकते हैं। प्लस उसके साथ साथ आप कन्वर्सेशन स्टाइल यूज कर सकते हैं, डायलॉग वाली स्टाइल यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप स्टोरी स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, सभी को मिक्स मिला के भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। जनरली नोवेल में सभी स्टाइल को यूज किया जाता है। ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, जैसे भी हम उसे लिख सकते हैं, वो सिंपल नोवेल कहलाता है, सिंपल वे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं। और आपने सुना होगा डीएच लॉरेंस ने इसको एक सबसे ज़्यादा खराब चीज़ बोला था। काफ़ी राइटर ऐसे रहे हैं जिन्होंने नोवेल को जेनरे स्टाइल में सबसे बेकार स्टाइल बताया था, लेकिन ये पॉपुलर स्टाइल इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोई भी लिख सकता है, जो भी उसके मन में आ रहा है, जैसे उसके विचार है उनको प्रोज स्टाइल में लिख देना और फिर उसे कंपाइल कर देना, वो नोवेल का फॉर्म बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी नोवेल लिखना चाहते हैं तो आपकी जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो कन्वर्सेशन स्टाइल में हो या आप उसमें बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं वो स्टोरी स्टाइल में हो, ठीक है, आप उसे लिख सकते हैं। बट इसमें लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नोवेल या नोवेला, जैसे आपने जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा, नोवेल जो थोड़ा लेंथ में बड़े होते हैं, नोवेला जो शॉर्ट स्टोरी से बड़े होते हैं और नोवेल से छोटे होते हैं, उन्हें नोवेला बोलते हैं। अगर आप किसी नोवेल को पढ़ना चाहते हैं, आपने पढ़े भी होंगे, तो आप मेरा नोवेला भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक नोवेला लिखा था लास्ट ईयर, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। 60 से 70 पेज का नोवेल आया, वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी भी आपका नोवेल लिखने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप नोवेल लिखना चाहते हैं या आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरी सोशल साइट्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।